घटना करीब रात 11 बजे की है, जब एटा का एक परिवार गर्मियों की छुट्टियां बनाने मुंबई गया हुआ था। आज वहां से वापस अपने घर एटा लौट रहा था। इसी दरमियान फिरोजाबाद के थाना नारकी के रजावली चौराहे के पास एक ट्रक ने इंडिगो कार को जबरदस्त टक्कर दी, जिससे कार एक गड्ढे में जा गिरी। मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आगरा रेफर किया गया है। वहीं ट्रक चालक घटना के बाद से फरार है। फिरोजाबाद से सौरभ सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, एस के एच न्यूज। बासु जीवित है सर, और ये लोग बाहर से घूम के आए थे और आगरा रुके थे, आगरा हमारे घर थे, और उसके उसके बाद में हमारे घर से ये लोग चारों भाई साहब, उनकी मिसेज, इनका बेटा और बेटी, ड्राइवर के साथ पांचों एटा अपने घर जा रहे थे। रास्ते में हमारे पास आधे घंटे बाद न्यूज़ आ गई कि इनका एक पौन घंटे बाद कि इनका एक्सीडेंट हो गया। हम फटाफट वहाँ से दौड़ के यहाँ गए। कितने लोग कैजुअल्टी है? कैजुअल्टी लगभग करीब करीब इसमें से चार लोग तो खत्म हो गए, एक बच्चा है, ईश्वर उसको लंबी उम्र दे। आप कोई पुलिस प्रशासन से परेशानी तो नहीं है? सर अभी तो मैं आया हूँ, कुछ अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा है। अब देखूँ यहाँ पर क्या स्थिति है। मैं तो ईश्वर। किस तरह की घटना घटित? यस सर, नारकी थाना क्षेत्र में रजावली चौकी के पास में एक बड़ी भीषण दुर्घटना हुई है, जिसमें 10-11 ट्रक था और सामने से आती हुई इंडिगो ECS गाड़ी पे उसने जो है चढ़ा दिया, घिसट के गड्ढे में गिरा दिया उसको, और उसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक व्यक्ति भी जीवित है, जिनको अभी आगरा रेफर किया गया है यहाँ से, ट्रामा सेंटर से। घटना किस तरह से हुई है? आप तो मौके से आए हैं। आमने सामने टक्कर हुई है और गाड़ी जो है पिचक करके बिल्कुल गड्ढे में चली गई थी, वहाँ क्रेन से निकाला गया। मरने वालों के बारे में कुछ पता चल पाया है कि एक ही परिवार के वाले एटा के रहने वाले हैं, उसमें एक ड्राइवर भी है, बाकी अब परिजन आ गए हैं, हम पता कर रहे हैं। एक ही परिवार के लोग हैं ये? अब ये तो पूछताछ से पता चलेगा।